हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभी स्टडी 95। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे भौतिक विज्ञान 12th यूपी बोर्ड के पहले चैप्टर से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको बताने वाले हैं, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो आज के वीडियो में हम स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। पिछली दो वीडियो में हम आपको बलयुग्म का आघूर्ण नेटवर्क डन क्या होता है इसके बारे में हम बता चुके हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ, यहाँ से देख लीजिए, या मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से उसे सीख जाएंगे। देखिए, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया है जिसमें आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे इसके पहले हमको वर्क डन निकालना आना चाहिए। तो सबसे पहले जो फिगर इसमें बनेगा, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और इसमें आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी रखा गया है और इसके बीच की दूरी कितनी है, 2L है और यहाँ से थीटा एंगल से है। और ध्यान रखिएगा, इसमें जो आपका एक बल लगेगा प्लस क्यू के कारण, नीचे F बराबर क्यू इंटू ई और ऊपर रखेगा माइनस क्यू के कारण F बराबर क्यू इंटू ई, ये थीटा एंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी सी। तो ये फिगर आपका बनेगा, इसमें आपको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। तो इसे आप बना लेंगे, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और यह विद्युत क्षेत्र से थीटा एंगल कोण पे रखा गया है और इस पे एक बल युग्म आघूर्ण कार्य करेगा टाऊ बराबर, वो होगा पी ई साइन थीटा। कितना बल युग्म आघूर्ण कार्य करेगा, टाऊ बराबर पी ई साइन थीटा। अब ध्यान रखिएगा, हम जानते हैं कि जो इसमें आपका वैद्युत द्विध्रुव है इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर हम उसको थीटा बराबर पाई बाई टू से थीटा कोण तक घुमाएंगे तो जो कार्य होगा वही कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, थीटा बराबर पाई बाई टू से थीटा कोण तक घुमाने में जो कार्य होगा वह W होगा और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे किसका, पाई बाई टू से थीटा कोण तक टाऊ का। तो जो कार्य होगा वह पाई बाई टू से थीटा कोण पर इस टाऊ का हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, समाकलन कर देंगे, लेकिन यही कार्य जो होगा स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो W की जगह हम U लिख सकते हैं और इसका इंटीग्रेशन करेंगे पाई बाई टू से कहाँ तक, थीटा कोण पर, और टाऊ का मान रखा है तो यहाँ रखेंगे पी ई साइन थीटा और डी थीटा। तो पी ई को कॉमन ले लेंगे, तो पी ई और ये बचेगा पाई बाई टू से थीटा कहाँ से कहाँ तक, बताइए, पाई बाई टू से थीटा कोण तक। पाई बाई टू क्या है, लोअर लिमिट है, और थीटा क्या है आपका, अपर लिमिट है। तो आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर यू बराबर पी ई, अब इसका देखिए इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस कॉस थीटा और ये पाई बाई टू से कहाँ से थीटा तक, तो माइनस बाहर ले लेंगे तो माइनस पी ई ब्रेकेट में हो जाएगा कॉस थीटा और पाई बाई टू से कहाँ से थीटा तक। तो अब देखिए, माइनस पी ई और कॉस थीटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेंगे तो अपर लिमिट थीटा है तो कॉस थीटा, माइनस लोअर लिमिट पाई बाई टू है तो कॉस पाई बाई टू हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। पाई का मान 180 अंश और पाई बाई टू का मान 90 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस पी ई और कॉस थीटा, अब देखिए कॉस पाई बाई टू का मान 90 अंश हो गया, तो यहाँ पर हम सीधे कॉस 90 अंश लिख देंगे और कॉस 90 अंश का मान कितना होता है, जीरो। तो माइनस पी ई ब्रेकेट में बचा कॉस थीटा, तो यू बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा आपका आया, पोटेंशियल एनर्जी निकल के आया U बराबर आपका माइनस पी ई कॉस थीटा के बराबर होगा। छोटा सा डेरिवेशन था, ध्यान रखिएगा, बहुत शॉर्ट बता रहा हूँ और आपको यहाँ पर दो चार लाइन अपने से लिखना है जैसे आप फिगर ड्रा किए हैं। यहाँ पर आपको बल युग्म आघूर्ण मिलेगा, बल युग्म आघूर्ण से इसको हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल को पाई बाई टू से थीटा एंगल तक घुमाने में जो कार्य होगा वह कार्य पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा और इसका आप इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, पाई बाई टू से थीटा,
लोअर लिमिट से अपर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट आपका थीटा है, लोअर लिमिट कितना है पाई बाई टू है, तो रिजल्ट मिला यू बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा के बराबर। यह जो आपका वैद्युत द्विध्रुवी के स्थिति ऊर्जा का व्यापक समीकरण निकल के आया। ध्यान रखिएगा, अगर हम इसमें आपकी विशेष स्थिति बताएं, विशेष स्थिति क्या बनेगी, अगर थीटा बराबर जीरो हो जाए, पहला थीटा बराबर जीरो हो जाए तो यू का मान माइनस पी ई और कास जीरो, ध्यान रखिएगा कास जीरो अंश का मान कितना होता है एक होता है, तो यू बराबर माइनस पी ई के बराबर होगा। अगर थीटा बराबर जीरो हो जाए, और थीटा बराबर जीरो कब होगा, जब वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा में हो, तो यहाँ पर U का मान माइनस पी हो जाएगा और यह न्यूनतम होगा। ध्यान रखिएगा कि यह न्यूनतम होगा, U मिनिमम कितना हो जाएगा माइनस पी ई। दूसरी स्थिति क्या बनेगी, दूसरी स्थिति ध्यान रखिएगा कि यदि थीटा का मान 90 अंश हो जाए, वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के लंबवत हो जाए, थीटा बराबर 90 अंश, जो इलेक्ट्रिक डायपोल है या इलेक्ट्रिक डायपोल क्षेत्र के लंबवत हो जाए, तो थीटा बराबर 90 अंश, तो यू बराबर माइनस पी ई और कास 90 अंश रखेंगे। आप जानते हैं कि कास 90 अंश का मान कितना होता है, जीरो होता है, तो यू का मान कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब थीटा बराबर 90 अंश हो जा रहा है, तो इस स्थिति में जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, तो शून्य होगा, शून्य होगा। U मिनिमम जो आया है यह आपका अस्थाई संतुलन है, अस्थाई संतुलन है। और तीसरा जो यहाँ हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ नोट डाउन करिएगा, दूसरा है और तीसरा है कि अगर इलेक्ट्रिक डायपोल को थीटा बराबर 180 एंगल पे घुमा दिया जाए, तो जो U निकल के आएगा वो कितना होगा, U बराबर माइनस पी ई और यहाँ पर कास 180 अंश, और कास 180 अंश का मान कितना होता है, माइनस वन होता है, तो U बराबर माइनस पी ई गुणे माइनस वन, यहाँ लिख दे रहे हैं कास 180 अंश का मान माइनस वन, तो U बराबर माइनस का माइनस गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा पी ई के बराबर। तो यहाँ पर जो कंडीशन बनेगा वह बनेगा स्थितिज ऊर्जा का अस्थाई संतुलन, अस्थाई संतुलन। तो ये भी दोनों इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जीरो अंश पे जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है वो आपका होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम में, और थीटा बराबर 180 अंश पे जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है वह आपका होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, विशेष स्थिति से जो क्वेश्चंस बनते हैं, अगर आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली है माइनस पी ई कॉस थीटा के बराबर होता है, तो आपसे विशेष स्थिति इम्पोर्टेंट पूछता है। अगर पहला पॉइंट बनता है कि थीटा बराबर जीरो अंश हो जाए, तो यू का मान क्या हो जाएगा, तो यू का मान हो जाएगा माइनस पी ई। माइनस पी ई के कंडीशन में आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि बताइएगा कि यह जो इलेक्ट्रिक डायपोल है अनस्टेबल है या स्टेबल है, तो आप कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। किस कंडीशन में, जब थीटा बराबर जीरो अंश हो जाएगा। दूसरा पूछेगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्षेत्र में 90 अंश के एंगल पे हो जाए, थीटा बराबर 90 अंश, तो यू का मान कितना हो जाएगा, जीरो। तो इस कंडीशन में जो आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना होगा, जीरो। और तीसरा पॉइंट बनता है कि अगर इलेक्ट्रिक डायपोल का मान थीटा बराबर 180 अंश कर दिया जाए, तो इस कंडीशन में जो यू निकल के आएगा वो पी ई होगा, और यही जो पी ई पॉजिटिव में होगा वह आपका होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। कौन सा, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो तीनों पॉइंट समझ में आ गया, ये डेरिवेशन भी आपको समझ में आ गया। तो इस चैप्टर में जितने भी डेरिवेशन हैं हम करा चुके हैं, और आप एक एक वीडियो को देखकर डेरिवेशन को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, और थ्योरी पॉइंट जो बचे हुए हैं उसको थोड़े थोड़े आप पढ़ते रहिएगा, और मैं जल्दी दूसरे चैप्टर को आपको पढ़ाऊँगा। तब तक आप मेरे चैनल पे जुड़े रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप कमेंट करिएगा, जो पॉइंट छूटे उनको ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तब भी कमेंट करके बताइएगा और शेयर करिएगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए। जल्दी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।